हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ नेमत। आज मैं आपके साथ 15 मिनट में तैयार हो जाने वाली बिरयानी शेयर कर रही हूँ। ये बनाने में तो आसान है ही, साथ ही इसके बनाने से ना तो आपका किचन मेसी होगा और ना ही आपके बहुत ज़्यादा बर्तन गंदे होंगे। साथ ही ये बस एक ही मसाले से तैयार हो जाएगा। तो बने रहे मेरे साथ, नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स, देखें इसके स्टेप्स को। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इस बिरयानी को बनाने के लिए हमने 3 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक कतर लिया है और उसे कैरामलाइज किया है। उसके बाद 1/2 kg धुले हुए मटन को मैंने अच्छी तरह से छान कर और उस प्याज में डाला है और इसे इतनी देर तक पकाना है कि गोश्त का कच्चापन ख़त्म हो जाए, वो सफ़ेद हो जाए और इसकी आउटर लेयर थोड़ी सी ब्राउन हो जाए। तो इसे तब तक तलते रहें जब तक कि ये लाल ना हो जाए। अब इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, जिसमें दोनों का रेशियो 50-50 होगा। यहीं पर 2 मीडियम साइज़ का टमाटर को चॉप करके डाल दें और साथ ही इसमें हमने एक ही मसाले की जो बात की थी वो शान मसाला है, तो 1/2 पैकेट शान मसाले का इसमें डाल दें। अब इसी एक मसाले से हमारी बिरयानी तैयार हो जाएगी। 3-4 हरी मिर्च डाल दें और जायके के लिए यहाँ पर कुछ पुदीना की हरी पत्तियाँ डालें। अगर आप चाहें तो हल्दी, मिर्च और धनिया गरम मसाले की थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आप अलग से मिला लें। यहाँ पर मैंने 1/2 kg मटन का इस्तेमाल किया है। तो अब इन सारी चीज़ों को इतनी देर तक भूनें कि ये बहुत ही खुश रंग हो जाए और अच्छी तरह से तल जाए। तो लगभग 4-5 मिनट में ये काफ़ी अच्छी तरह से भुना जाता है। अब यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून भर कर फेटा हुआ दही डाला है। अब जब आप दही डालें तो फ्लेम को धीमा कर दें और दही डालने के बाद मटन को लगातार चलाते रहें। ऐसा करने से दही फटता नहीं है और मसालों में जब ये अच्छी तरह से मिल जाए तब आप इसे चलाना छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमें 3-4 मिनट गोश्त की भुनाई करने में वक्त देना होगा और ऐसा करने से गोश्त बहुत अच्छा तैयार हो जाता है। ये हर दिन बनाया जाने वाला बहुत ही क्विक एंड ईजी बिरयानी की रेसिपी है। और अगर आप इसमें मटन नहीं डालना चाहते तो मटन को आप काबुली चना, राजमा, न्यूट्री नगेट या आलू से रिप्लेस भी कर सकते हैं। बिरयानी हमेशा फ्रेश मटन से बनाएं और इसकी बोटियां बड़ी रखें। बिरयानी में बड़ी बोटियां ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो आप इसे बनाएं, आप देखेंगे कि नौसिखुआ हाथ भी इसे बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेगा। अब यहाँ पर हमने लगभग 300 ml पानी डाला है। इसमें पानी इतना डालना है कि 80% गोश्त के गलने के बाद इसमें कम से कम 1 से 1.5 कप पानी बचा रहना चाहिए और आप अपने हिसाब से इसमें पानी का अंदाज़ा लगाकर डालें। अब एक बड़े से बर्तन में पानी को बॉयल करें जिसमें हमें बिरयानी का चावल उबालना है। मैंने यहाँ पर देहरादून बासमती चावल इस्तेमाल किया है जो कि इंडिया गेट ब्रांड का है और इस चावल को मैंने सीज़न किया है बड़ी इलायची और स्टार एनीस के साथ। थोड़ा सा मैंने स्याह ज़ीरा डाला है। तो लगभग 70% कुक हो जाने पर आप चावल को छान लें और इतना कुक होने में लगभग उबाल आने के बाद 5 से 6 मिनट का वक्त लगेगा और इधर गोश्त बिल्कुल अच्छी तरह से लगभग 80% तक गल चुका है और यहाँ पर पानी मेरे पसंद के मुताबिक है। अगर ज़रूरत हुई तो मैं थोड़ा पानी और इस्तेमाल करूँगी ताकि इसमें स्टीम अच्छे से आए। मैंने 400 ग्राम चावल का इस्तेमाल किया है जिसे धोकर 1/2 घंटे तक मैंने भिगोकर रखा हुआ है और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गोश्त और इसकी तरी निकाल लिया था क्योंकि इसमें बहुत सारा ऑयल था। थोड़ा सा शिमला मिर्च मैंने क्रंच के लिए इस्तेमाल किया है जो बिल्कुल ऑप्शनल है, आप नहीं चाहते तो इसे ना डालें। अब जो मैंने 70% कुक्ड
राइस बनाया था वो इसमें उंडेल दें। आप ज़्यादा खीला अगर चावल पसंद करते हैं तो इसे 50% ही कुक करें। इसे गोश्त के ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड कर दें ताकि ये एक तरह से तैयार हो। देखिए ये दाने अभी बंधे हुए से हैं लेकिन नरम है। तो ये चावल बिरयानी का सबसे अच्छा और डेलिकेट चावल होता है और नौसिखवा हाथ भी इसे बहुत अच्छी तरह से मेंटेन कर लेता है। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा चम्मच से एक चम्मच भरकर पानी डाला है ताकि इसमें स्टीम अच्छे से बने, और थोड़ा सा एडिबल कलर मैंने इसमें इस्तेमाल किया है, ऑरेंज कलर। आप चाहें तो ज़ाफ़रान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा केवड़ा डाल दें, यहाँ पर अरक गुलाब भी डाला जा सकता है, कैरामलाइज्ड अनियन डालें ताकि ये ज़्यादा क्रंची लगे। कुकर का ढक्कन बंद कर दें और 4 मिनट तक इसे तेज़ फ्लेम पर बनाएं, फिर आँच को धीमी कर दें और 10 मिनट तक इसे धीमी आँच पर दम दें। आप देख सकते हैं कि इतनी देर में चावल बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसे धनिया की पत्ती और पुदीना के हरे पत्तों से सजा लें, इसे हल्का कर लें, हल्के हाथों से चलाएँ। आप देख सकते हैं बिरयानी बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। तो इसे गर्मा गर्म दही के रायते के साथ सर्व करें। उम्मीद है आज की ये झटपट सी बिरयानी वाली रेसिपी आप सभों को खूब पसंद आई होगी। नियर फ्यूचर में मैं बिरयानी की और कई सारी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो साथ बनाए रखें और हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।